हेलो गाइस, ओम साई राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हम भी अच्छे हैं, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है फ्राइडे से, आपको पता है। तो आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। उस दिन गए थे तो नहीं हो पाया, आज का अपॉइंटमेंट मिला है तो आज हॉस्पिटल जा रहे हैं। कल बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई हूँ मैं, आज जा कर के वही थोड़ी बनाऊंगी, और कहीं जाएंगे वहीं से तो वही बनाऊंगी। और रीति तो बना रही है जो गई है हरिद्वार, तो फिर इसी में आपको रीति की भी वीडियो ऐड करा जाएगा मेरी भी। और कल का वीडियो नहीं है, कल बनाए नहीं वीडियो। गाइस, तो हम लोग जनकपुरी की डिस्ट्रिक्ट सेंटर मार्केट जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत कम रेंज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आओ हमारे साथ चलो, हम आपको दिखाते हैं। तो मम्मी के क्लिनिक के बाद हम वहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, बाय, सी यू देयर। हम लोग की अपॉइंटमेंट थी और अपॉइंटमेंट हुई नहीं, और हम लोग मतलब गए थे तो मैंने बहुत सुनाया वहाँ पे कि पहले तो बोला डॉक्टर हैं, आप अपॉइंटमेंट ले लो, फिर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। मैडम तो यार आपको कॉल पे रहना चाहिए ना, मैं मेंशन कर लूँ उनके बारे में। फिर हम मैं और मम्मा हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे सैंडोज, और हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने वाले हैं। जब आएगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये है इनके यहाँ का चिकन टिक्का, एंड लेट्स सी हाउ इट इज टेस्ट एंड लेट्स सी इज लाइक। ये बाहर का व्यू है, कैसा है गाइस? खाते नहीं हैं तो हम लोग मोस्टली बाहर बोल नहीं पाते हैं नमक के लिए, पर अक्सर हम बोलेंगे हम लोग नमक नहीं खाते घर में, क्योंकि वो सॉल्टी लग रहा है हमें। मतलब वो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए बहुत नॉर्मल नमक है, पर हम लोग नमक नहीं खाते तो ये हमें बहुत तेज़ लगता है। देखो, ये हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर आए हैं और ये चमगादड़, ये चमगादड़ पर हमारा पीछा खमाना कभी नहीं पीछे छोड़ती है। नहीं है, नहीं है, ये है डिस्ट्रिक्ट सेंटर गाइस। थोड़ा सा घूमते हैं, नहीं दीदी। हाँ, ये दोनों नोनी भी आ गई, नोनी यही मिल गई। हाँ, दोनों नोनी, बड़ी नोनी नहीं, दोनों ये दोनों हैं, नोनी भी आ गई। अब मेरे पीतू नहीं है यार, मेरे पीतू नहीं है। अरे तेज तेज बोलो ना। मैं यहाँ पे गाइस जॉब करती थी, पता है कितने रुपए में? 10,000 रुपए में जॉब करती थी और 9,000 उड़ा देती थी और 1,000 रुपए का खाना खाती थी। मेरा मंथली एक्टिविटी होता था नॉक्स के बाद। पता आपको गाइस, मेरे यहाँ पे ना एक ना लड़की मिली थी, मेरी ना दोस्त थी वो, और ना रोते रोते मिली थी ना, और उसका उसने ना मेरा काट दिया और मैंने उसके बाद उसको काट दिया। तो हम लोग एक शॉप में आए हैं यहाँ पे। चलो शॉप के सूट बहुत प्यारे प्यारे होते हैं इनके रेंज गाइस ऐसी होते हैं, मतलब 1,000 पीस के अंडर ही होते हैं। मतलब ये बहुत छोटी सी दुकान, मतलब बहुत छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ अंदर है ना, वहाँ पे ईयरिंग्स वॉरिंग्स भी है, ब्रांडेड भी हैं, बट ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देखो, हमने भैया को चूना लगा दिया, भैया ने हमें 2100 रुपये का लगाया था और हमने उनको 1,850 रुपये में इतने प्यारे प्यारे सूट ले लिए। हम आपको शॉप नंबर बता देंगे, आप प्लीज़ यहाँ से आपकी शॉप कर लेना, ये बहुत अच्छे हैं। पर इसके भैया इसके लेगी दुपट्टा नहीं है? ये प्लाजो दुपट्टे, दुपट्टे को लेगी कौन सा कलर चाहिए? लेगी या प्लाजो? हाँ हाँ, ले लेंगे हम, हाँ ले लेंगे हम। हो गया, पे कर दिया, मुंह से हटा हटा मुंह से। हैं? अरे इसकी शक्ल अच्छी नहीं है मम्मी, इसीलिए मेरी मुंडी शक्ल है। देख रहे हो कितनी अच्छी कलेक्शन है गाइस। आज भी नहीं हुआ डॉक्टर का काम, डॉक्टर बुला करके थोड़ी सी हम लेट हो गए, 5-10 मिनट लेट हो गए। डॉक्टर चली गई थी
और आज भी हुआ नहीं। मैं तो वही गैस की गोली और वही अजवाइन और अदरक का पानी पी पी करके थोड़ा सा करके रख रही हूँ। बहुत एक एक बार तो बहुत हद से ज़्यादा दर्द हो जा रहा है, फिर ये सब घरेलू नुस्खा करके ठीक हो जा रहा है, पर पता नहीं अंदर की गैस, अगर गैस है तो ठीक हो जा रहा है, अगर और कुछ होएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए फिर कल जाएंगे, आज भी डॉक्टर चली गई थी तो फिर हम वहाँ से थोड़ा सा शॉपिंग करके आए हैं, क्या क्या लाए हैं वो दिखाते हैं आपको। जो शरी ली है पर पहनेगी तो नहीं, मुझे ही पहनना पड़ेगा, मुझे पता है। 350 का ये मैं कुर्ती ली हूँ, देखिए ये कुर्ती ली हूँ 350 का, ये भी 350 का, और एक ये ली हूँ ये भी 350 का, ये भी 350 का, खुद ली है शरी का है, ये भी 350 का है। तो मैं पहनूंगी, देखते हैं कौन पहनता है, ऐसे ले आती है, पहनती तो है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 5 है कुर्तियाँ, तो 4 तो मेरी है, ये 4 मेरी है और एक उसकी है। ये कैसा लगा आप लोगों को बताइए। प्रीतिया आज आ जाएगी 6 बजे बोली है, 1 बजे की बस मिल गई थी उनको, तो 1 बजे बस में चढ़ गए हैं और 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। घर आते आते वही 6:30-7 बज जाएंगे, फिर उससे मिलाती हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए अम्मा आ गई, कैसा रहा तुम्हारा हरिद्वार का ट्रिप? फैंटास्टिक, मज़ेदार। अच्छा रहा, कहाँ कहाँ गई? हरिद्वार ही थे। अच्छा, मनसा देवी गए थे बस, और फिर हल्की पौड़ी में आने दो ही तो दिन, एक दिन सॉरी परसों ही तो गई थी। हाँ ओ भाई, मुझे लगा कल आओगे। कल नहीं, 1:30 बजे की मिल गई थी ना हमें। अच्छा हाँ, आधे रास्ते चली गई थी वो बस। तो फिर उन आंटी ने बोला कि अंकल की स्कूटी में चले जाओ आप लोग, तो फिर हम लोग स्कूटी में गए। आधे रास्ते उन्होंने, मतलब आधे रास्ते क्या, वही कौन अंकल जो दुकान में तो बस बस कराते हैं। अच्छा, थोड़े दूर 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर बस आगे जा चुकी थी हरिद्वार से। तो फिर उन्होंने वहां बस रुकी हुई थी रोड में, फिर उन्होंने बस में रोक दिया, कुछ सीट खाली थी तो बैठ गए। 1:30-1:30 बजे वाली बस हमें मिल गई। चलो पेट में गैस हो गई, गैस की तो प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा है बेटा, क्या पेट देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पेट बहुत फूल रहा है। गैस से फूल रहा है, तेरे फैट से नहीं फूल रहा है ये? बट फैट तो है ना ये, देखो ये भी गैस से ही होता है बेटा, जब मेरा गैस होता है तो ये चीज बढ़ जाता है। हाँ तो जो भी है फैट तो है ही, खैर गैस भी है, एक्सरसाइज से गैस भी जाएगी ना, जब बॉडी स्ट्रेच होएगी ऐसे ऐसे होएगी तो फैट भी जाएगा और गैस भी जाएगा। मुझे और दीदी कहाँ है? दीदी वो उसे छोड़ने गई है बंदे को, आएगी अभी वो। तो उड़पी में क्या खाया? डोसा। अभी खाना नहीं खाओगे? बनाया खाना है, खाना क्या है? आलू गोभी की सब्जी दाल। गर्मी हो गई ना फिर से? हाँ फिर से, 35 डिग्री था दीदी बता रही थी। आपको अलग से हम मेरा ट्रिप वाला अलग से मैं आपको शूट करके दूंगी, ठीक है? अच्छा ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। और अगर हमारी ये वाला ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यार कमेंट कर दिया करो, एक भी कमेंट नहीं होते हैं। चलो दोस्तों रात हो गई, इसकी इंतज़ार कर रही थी मैं ब्लॉग में लेने के लिए और ये आ गई। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी, आपको तो पता है डॉक्टर के पास गई आज भी, परसों गई, परसों भी काम नहीं बना, कल तो बहुत बुरा हाल, कल भी गई थी
ये वही मुझे लग रहा है मेरा इलाज नहीं होएगा, घर का ही नुस्खा काम आ रहा है। नहीं मिली नहीं दीदी जिससे, पर मैं वो चली गई थी। गलती तो आप लोग की है ना। गलती कैसे दीदी, बोली बोलना चाहिए कि मैं इतनी बजे तक रहती हूँ, नहीं तो चली जाए नहीं मिलूंगी बोल के। आजकल गाइस को डॉक्टर्स के भी बड़े भाव है, तो यही हुआ। तो देखते हैं कल, हमारे पास में नंदा करके एक हॉस्पिटल है क्लिनिक, वहीं जाऊंगी वहीं देखते हैं कल। अभी तो ठीक हो काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ घर नुस्खा से। दोस्तों टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट।